का मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप विदिशा का सबसे फेमस स्थान बोले हेलियोडोरस स्तंभ। दोस्तों आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको हेलियोडोरस स्तंभ, जो कि बेतवा नदी के थोड़े आगे बेस नदी के नियरेस्ट है। और आप देख सकते हैं ये रहा वो रास्ता, यहाँ से आप हेलियोडोरस स्तंभ के पास पहुँचेंगे। और ये रास्ता जाता है अशोक नगर बांसदा के लिए, ये खाम बाबा के स्थान है। और ये रहा वो स्तंभ चौराहा, अब हम आपको ले चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आप चुके हैं हेलियोडोरस स्तंभ, और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर ये लिखा हुआ है कि विदिशा से लगभग 4 किलोमीटर दूर बेस नदी के उत्तरी तट पर पाषाण निर्मित 20 इंच 7 सेंटीमीटर ऊंचा एक स्तंभ है, जिसे खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ पर प्राकृतिक भाषा की गर्द में भी दो लेख लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि हेलियोडोरस नामक एक यूनानी ने वासुदेव विष्णु के सम्मान में इस स्तंभ को गर्भ स्तंभ के रूप में स्थापित किया था। यह वंश के 9वें शासक महाभद्र के दरबार में तक्षशिला शासक एंडियो के राजदूत के रूप में यहाँ आया था। सन 1963 और 1963 के प्रारंभिक उत्खनन में इस स्तंभ की समीप 14वीं शताब्दी से पूर्व में विष्णु मंदिर रहे होने की पुष्टि हो चुकी है। और आप चलते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं कि सामने ही वो दिखाई दे रहा है, ये ही है हेलियोडोरस स्तंभ या गर्भ स्तंभ भी बोल सकते हैं। अब चलिए अब जरा गौर से देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है। तो ये इसकी ऊंचाई जो कि लिखी गई है 20 फुट 7 इंच, और यहाँ पे भी खंभे का इतिहास लिखा है जो हम गेट पर बोर्ड पर पढ़ के आए हैं, वो इसी को खाम बाबा कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप कभी आएंगे तो उसको जरूर पढ़िएगा, हो सकता है इसके बाद तो और इंटरेस्टिंग चीज लेते हैं। अब हम जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो पत्थर लगे हुए हैं, जिसमें एक पर खंभे का इतिहास हिंदी में लिखा हुआ है, और ये भी वही कंटेंट लिखा है जो गेट के बाहर बोर्ड पर हमने पढ़ा था अभी। और इसी के जैसा, इसी का ट्रांसलेशन एक इंग्लिश में लिखा हुआ है। और ये चबूतरा बनाया हुआ है, इसके ऊपर ही हमारा हेलियोडोरस स्तंभ बना हुआ है, जो कि आपने कब हमेशा पढ़ा होगा मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में आते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पत्थरों का ढेर, ये वो विष्णु का मंदिर था यहाँ पर, ऐसी पुष्टि हो चुकी है। और इस विष्णु के मंदिर के सामने ये गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया था, और स्थापित करने वाला चूंकि हेलियोडोरस था इसलिए इसको हेलियोडोरस नाम से जाना जाता है। और ये खंडहर हो चुका है, बट ये विष्णु का मंदिर था, इसकी व्याख्या इसके लिए की गई है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इस स्तंभ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहें। थैंक यू।